मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि डस्टबिन का क्या वास्तु है सर, हमें बताइए डस्टबिन कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। हम बड़े परेशान हैं डस्टबिन को कहाँ रखें, कहाँ नहीं रखें। कहा जाता है, हमने बहुत सारे शोज़ देख लिए, बहुत सारी मैगजीन्स में पढ़ लिया कि डस्टबिन कभी नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए, तो किचन के नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए। थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन हर कोई चाहता है, तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली गाइड करूँगा कि डस्टबिन का वास्तु में क्या रोल है। हम अगर एक नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करते हैं तो किस प्रकार का कूड़ा, किस प्रकार का गार्बेज आपके घर से निकलता है? मेरे ख्याल से कुछ कागज़ आप लोग फाड़ते हैं। हमारे घर में दो तीन तरीके के गार्बेज होते हैं। ओवरऑल जब फ्लश सिस्टम ठीक हो गया, सीवर सिस्टम ठीक हो गए, तो कोई भी गंदा कूड़ा हमारे घर में नहीं होता। अगर हम बहुत टाइम पहले की बात करते हैं और एक मिडिल सेक्शन, मिडिल क्लास के घर की बात करते हैं, तो खुले घर हुआ करते थे और डस्टबिन का ज़्यादा बड़ा कल्चर नहीं होता था। मैंने अच्छे अच्छे घर में देखा कि कूड़ा निकल कर के पॉलिथीन में पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। तो अगर हम डस्टबिन के थ्रू आपके कूड़े को ऑर्गेनाइज और मैनेज कर लेते हैं और सुंदर सी डस्टबिन में रखते हैं, तो किसी को पता नहीं है कि इसके अंदर कूड़ा है और उस कूड़े में खास तौर से स्मेल नहीं होती। ऐसा कूड़ा जो बहुत ज़्यादा स्मेल वाला हो, डॉग की कई बारी पूप्स होती हैं उसमें, या कुछ भी ऐसा होता है जो कि घर में रखने लायक नहीं है, तो उसे तो हमें तुरंत डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। घर के अंदर अगर वह डस्टबिन में भी पड़ा हुआ है तो वह शुभ नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि अगर आपका कूड़ा किचन में डस्टबिन के अंदर रखा हुआ है, जो कि खाने का गार्बेज है, यानी कि फल और सब्जियों का छिलका है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें रैपर्स हैं जो कि आपने पैकेट्स ओपन किए, गत्ता है, कागज है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बिना वजह भय में आकर के कि डस्टबिन कहां रखें, कैसे रखें, कई लोग डस्टबिन छुपा करके रख देते हैं, घर से दूर रख देते हैं, बहुत मुश्किल में होती हैं हाउस लेडीज कि डस्टबिन कहां रखें। तो आपकी किचन में डस्टबिन कहीं पर भी प्लेसमेंट हो सकती है। इतना आपने ध्यान रखना है कि डस्टबिन का कलर कैसा हो, रेड कलर, येलो कलर नहीं होना चाहिए। ये स्पिरिचुअल कलर्स में आते हैं। रेड कलर और येलो कलर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाते हैं और हमारे कई डेटीज का सिग्निफिकेंस होते हैं यह कलर्स। अगर आपकी डस्टबिन सटल है, ब्राउन शेड में है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और डस्टबिन का कवर होना बहुत ज़रूरी है कि डस्टबिन हमें कूड़ा नहीं दिखा रही है, इस तरीके की डस्टबिन आप कहीं पर भी रख सकते हैं। जनरली मैंने यह गाइड किया है कि घर के अंदर आते हुए आपकी डस्टबिन ज़्यादा हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मेन एंट्री हुई, मेन एंट्री के लेफ्ट या राइट में अगर यह डस्टबिन आ रही है तो इतना शुभ नहीं माना जाता। और ओवरऑल आपकी सीढ़ी के नीचे डस्टबिन कभी नहीं होनी चाहिए। प्लेनेटरी पोजीशंस कई बारी डावाडोल हो जाती हैं, क्योंकि सीढ़ी का जो स्थान होता है राहु ग्रह का होता है और उसके नीचे तो डस्टबिन क्या, जूते, चप्पल, झाड़ू कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई गंदगी, कोई गंदा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एक थंब रूल आप बनाइए कि आज अगर डस्टबिन में आपने कूड़ा डाला तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नेक्स्ट मॉर्निंग तक उसको आप डिस्पोज ऑफ ज़रूर करें, क्योंकि जब हम अपने गार्बेज को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसे रिसाइकिल भी करने के लिए हमें घर से बाहर निकालना है। तो डस्टबिन की वास्तु मैंने आपको बताई कि किस प्रकार होनी चाहिए। जी, सब्सक्राइब नाउ फॉर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस बाय डॉक्टर पुनीत चावला